और इसी बीच दंतेवाड़ा से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल दंतेवाड़ा में जिला अस्पताल के एक सिक्योरिटी गार्ड की रैपिड टेस्ट किट में कोरोना सैंपल पॉजिटिव पाया गया। पीसीआर टेस्ट के लिए सैंपल को मेडिकल कॉलेज जगदलपुर भेजा गया। गार्ड को क्वारंटीन किया गया। इससे पहले भी रैपिड किट पर एक रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, बाद में वही रिपोर्ट पीसीआर टेस्ट में नेगेटिव आई थी, इसलिए प्रशासन भी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाचार पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं? टेस्ट में गड़बड़ियां इससे पहले भी सामने आ चुकी हैं, दोबारा फिर ऐसा मामला सामने आया? बिल्कुल सही बात है, जो ये रैपिड टेस्ट में किट हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं संशय भी बना रहता है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में भी ऐसी 10 टेस्ट हुए थे जिसमें से 7 की रिपोर्ट निगेटिव आई थी, 3 ही मात्र पॉजिटिव आए थे। और दंतेवाड़ा में ही इससे पहले एक रिपोर्ट रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव आई, पर जब वो पीसीआर में हुई, इसमें खून की जांच हुई, तो वो निगेटिव आई थी। इसलिए ज्यादा चिंता का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि अधिकांश रिपोर्ट है जो उसमें निगेटिव आ रही है। अब ये जो रिपोर्ट है ये मेकार्ड में गई है, देर शाम तक इसकी कोरोना की टेस्टिंग की रिपोर्ट आएगी। जब ब्लड सैंपल में पॉजिटिव आएगी रिपोर्ट, तभी इसे पॉजिटिव माना जाएगा। हालांकि फिर भी प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए उस सिक्योरिटी गार्ड को क्वारंटाइन पे रखा हुआ है, और जो अस्पताल के आसपास का जो इलाका है जहाँ से वो संक्रमित दिखाया है, उस इलाके को पूरा का पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है। आसपास में प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पंकज।